वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट आपका। और इसमें हम पढ़ रहे थे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसकी मीनिंग और फैक्टर्स, इसको अफेक्टिंग फैक्टर्स, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे। तो अभी हम बात करेंगे आर्थिक या व्यावसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों में घनिष्ठ संबंध। अब देखिए, आप यहाँ इस डायग्राम पे आइए, इसके जो ये फैक्टर्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैधानिक दशाएं आपके आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है, वैधानिक दशाएं आपकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर रही हैं, तकनीकी जो है आपकी वो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएँ, जनसंख्या, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राकृतिक और जो भौगोलिक दशाएँ हैं ये आपको इसको प्रभावित कर रही है आर्थिक पर्यावरण को। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और ये जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। तो हम ये देखते हैं कि ये अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करती है। जब भी किसी घटक की दशाओं या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन हो रहा है, मान लो कोई भी एक घटक की में, चाहे वो आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे वैधानिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय दशाएँ, किसी में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो दूसरे घटक को भी प्रभावित करेगा। यद्यपि हम ये मान सकते हैं कि जो मानवकृत घटक है उन पर कुछ नियंत्रण संभव है, क्योंकि वो मानव के द्वारा है और मानव के द्वारा उन पर कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु जो नेचुरल जो फैक्टर्स हैं उन पर, या बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन वाले जो फैक्टर्स हैं उन पर नियंत्रण पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से मानवीय घटकों का तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाह्य या जो प्राकृतिक है उनका आप क्या करोगे। इसी कारण से जो आर्थिक पर्यावरण है वो सदैव परिवर्तनशील चलता रहता है। इसके अलावा अगर हम मानवीय घटकों की भी बात करें तो वो भी एक लिमिट तक ही कंट्रोल किए जा सकते हैं, उनमें भी परिवर्तन चलता रहता है। व्यावसायिक वातावरण सदैव परिवर्तनशील है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग। ये क्या है, ये हमेशा एक सा नहीं रह रहा है, क्योंकि इसके जो बहुत से ये जो अंग हैं ये भी कंटिन्यू चेंज होते रह रहे हैं। तो ये जब खुद चेंज हो रहे हैं तो वातावरण कैसे स्थिर रह सकता है। इनमें जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आर्थिक पर्यावरण में भी आपके नए नए परिवर्तन आएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी अर्थव्यवस्था में तेजी होगी या मंदी होगी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, घटत बढ़त होगी या अवसाद और समृद्धि, आपका प्रोस्पेरिटी चलेगी या फिर आपका व्यापारिक चक्र आएंगे। ये सारे जो प्रभाव हैं या हम ये कहें रिजल्ट है, वो सब इन अंगों में, किसमें, व्यावसायिक पर्यावरण के अंगों या घटकों में परिवर्तन के कारण देखने को मिलते हैं। आर्थिक पर्यावरण पर केवल देश की आंतरिक परिस्थितियों का ही परिवर्तन नहीं पड़ता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी परिवर्तन पड़ता है। जैसे अमेरिका की मंदी मान लो, तो उसका इंडिया पर भी फर्क पड़ेगा, माना जाएगा कि कम मात्रा में पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। और कम मात्रा में पड़ने का रीज़न होगा इंडिया की खुद की जो आर्थिक नीतियाँ होंगी, वो हो सकता है वो इस प्रकार की हों कि कम पड़े, हो सकता है वो इस प्रकार की हों कि ज़्यादा फर्क पड़े, फर्क तो पड़ेगा। तो वो देख, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे से, हमारे जो ये जो राष्ट्र हैं संपूर्ण विश्व के, वो एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये देखिए, ये मेन कंपोनेंट्स से इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो है प्राकृतिक संसाधन और दशाएँ, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक दशाएं, मानवीय संसाधन एवं दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं, वैधानिक आर्थिक नीतियां, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं आपकी क्या हैं, प्रौद्योगिकी व तकनीकी दशाएं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता और एक अन्य दशाएं, जो कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंडीशंस में क्या होगा, उस संबंधित देश की जिसके संदर्भ में हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसकी लैंड, सोइल्स, मिनरल्स, वाटर, वनस्पति, नदी नाले, मतलब आपके जो भी ये जो पानी, पोंड, रिवर, फलाना ढिमका, पहाड़, माउंटेन्स, मैदान, जलवायु, आपकी क्लाइमेट, आपकी भूमि की बनावट, भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियों, इन सब का समावेश होगा, जो कि प्रकृति में मानवीय उपभोग के लिए निशुल्क रूप से उपलब्ध है। अब देखिए, कई देश तो ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा होती है
है ना, तो जितनी प्रचुर मात्रा होगी उतनी उनके विकास की परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उनके साधनों के विधोन से आर्थिक विकास बढ़ेगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे। लेकिन कई बार कुछ देशों में ऐसा है कि इन प्राकृतिक साधनों का अभाव है या भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता है या फिर संसाधनों के विधोन की सीमित समस्या है, सीमित संभावनाएं हैं। इस वजह से आर्थिक विकास, रोजगार, उत्पादन, इनके साधन अवरुद्ध हो जाएंगे। जैसे अमेरिका रूस तेल निर्यातक देश एवं पश्चिमी जो विकसित देश है वो अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के विध्वंस से विकास कर पाए हैं, किंतु कुछ देश जो हैं वो प्राकृतिक साधनों के अभाव में या उनके समुचित विध्वंस के अभाव में पिछड़ गए हैं। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली भी अर्थव्यवस्था को या आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि किसी देश के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण उसके द्वारा अपनाई जाने वाली इकोनॉमिक सिस्टम पर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या हुआ? इकोनॉमिक आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उस संस्थागत स्वरूप से है जिसके अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व संबंधित आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, यानी कि इन सभी क्रियाओं के का जो संपादन होगा उसका एक जो संस्थागत स्वरूप होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक सिस्टम। तो कई देशों द्वारा अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक जो आर्थिक प्रणालियां हैं वो अपनाई जा रही हैं, लेकिन तीन हम उनमें मुख्य रूप से समझें, पूंजीवादी आर्थिक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिज्म, इसके अलावा समाजवादी और या फिर साम्यवादी सोशलिस्टिक या सोशलिज्म, और इसके अलावा मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो पूंजीवादी अपनाई जा रही है वो अपनाई जा रही है, इन देशों को ही हम पूंजीवादी देशों के नाम से समझते हैं क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इनमें ये अपनाई जा रही है, यानी कि इनमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है, निजी हाथों में होता है, ये पूंजीपतियों के हाथों में स्वामित्व और आपका नियंत्रण होगा। आर्थिक क्रियाओं के संचालन में निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की जो है स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा एवं उत्तराधिकार के साथ साथ निजी लाभ की प्रधानता होती है। गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होगा वो न्यूनतम होता है और प्राइवेट सेक्टर को जो है व्यापार, उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में यथेष्ट स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। समाजवादी में, सोशलिज्म में क्या होगा कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार अथवा समाज का संपूर्ण स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण होता है, यानी कि निजी क्षेत्र को इसमें गौण रखा गया है, प्रमुख जो स्थान दिया गया है वो सरकार को, निजी क्षेत्र की तो भूमिका ही नगण्य कर दी गई है। तो इन ऐसी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन हैं उनका अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, सरकार ही आर्थिक क्षेत्र की सर्वे सर्वा होती है, व्यापार, उद्योग एवं सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। साम्यवाद समाजवाद का ही उग्र रूप है, इसमें निजी क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता और सरकार ही समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करती है। तो आप ये समझिए, समाजवादी बनाम साम्यवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है? सोवियत रूस में, चीन में, पूर्वी जर्मनी में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया आदि देशों में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होगी वो क्या होगी? वो उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में तो सार्वजनिक को अपनाएगी और निजी क्षेत्र मतलब उत्पादन और वितरण, उत्पादन से लेकर वितरण तक की जो समस्त प्रक्रिया होगी उसमें सार्वजनिक को तो अपनाएगी ही अपनाएगी, लेकिन निजी क्षेत्र का भी इसमें समावेश होगा, यानी हम कहें दोनों का ही अस्तित्व इसमें विद्यमान होगा। आधारभूत उद्योगों एवं जनोपयोगी सेवाओं, पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइजेस में सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व और नियंत्रण होता है आधारभूत उद्योगों में आपके, जबकि जो सामान्य उपभोग, उद्योग और उत्पादन क्षेत्र होंगे वो निजी क्षेत्र के लिए होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया है। इसमें क्या होता है, दोनों ही क्षेत्र के गुणों का समावेश हो जाता है और कहीं ना कहीं दोनों के ही दोष घट जाते हैं, ये माना जाता है इसमें। 1991 के संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ते आर्थिक उदारीकरण से धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रही है। इसके अलावा भारत में विदेशी पूंजी निवेश एवं स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्तियां भी जोर पकड़ती जा रही है, जिससे विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद का खतरा भी बढ़ रहा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं भारत के विशाल बाजार के शोषण को ललचा रही है, इसलिए सरकार को सतर्कता की आवश्यकता है।
कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपना रही है इंडिया शुरू से, लेकिन अभी जो है वो आर्थिक संकट आया 1991 में भारत सरकार के समक्ष, तो उसने उदारीकरण की नीति अपनाई, तो उस वजह से कहीं कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर अपना पैसा लगा रही है, तो वहां कहीं ना कहीं सतर्कता रखने की देश को ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं आर्थिक दशाओं की, आर्थिक परिस्थितियों की। थर्ड पॉइंट, सेकंड थी आपकी आर्थिक प्रणाली, थर्ड है आपका इकोनॉमिक कंडीशंस। अब किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस भी उस देश की आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, और इकोनॉमिक कंडीशंस में हम इंक्लूड करेंगे आर्थिक विकास के स्तर को, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश का क्या है, उस देश में उत्पादन, रोजगार, आय तथा व्यावसायिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से विकास के स्तर पर निर्भर करती है। विकसित देशों में उन्नत उत्पादन तकनीक और बड़े पैमाने की उत्पत्ति से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन और रोजगार के साधन बढ़ने से आय का स्तर भी ऊंचा रहता है, बाजार का विस्तार होता है, जबकि विकासशील देशों में क्या होता है, पूंजी की कमी होती है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक से उत्पादन का स्तर भी नीचा होता है, ऊंची उत्पादन लागत आती है वहां पर, सीमित बाजार होते हैं, जनसंख्या की जरूरत से ज़्यादा समस्या रहती है, आय का निम्न स्तर, बेरोजगारी आदि बाधाएँ आती हैं। राष्ट्रीय आय का स्तर भी देखा जाएगा, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब ये यहाँ पर भी सेम यही बात लागू होगी कि जो विकसित देश होंगे या जो उच्च तकनीकी अपना रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक साधनों का समुचित मात्रा में विदोहन हो रहा है, वहाँ की राष्ट्रीय आय भी उन्नत होगी, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन और रोजगार भी उन्नत होगा, जबकि निम्न राष्ट्रीय आय वाले देश गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त होंगे। बैंकिंग व्यवस्था वो भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है, कैसे, कि जहाँ उन्नत बैंकिंग व्यवस्थाएं होंगी वहाँ बचत भी होगी, और बचत से पूंजी निर्माण भी होगा, पूंजी निर्माण से आर्थिक गतिविधियों को प्रेरणा मिलेगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की पर्याप्त पूर्ति से विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, जबकि जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ सही नहीं होगी या अवरुद्ध होंगी वहाँ पर मौद्रिक नीति का सही संचालन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौद्रिक नीति का सही संचालन मौद्रिक क्षेत्र में ही होएगा, अमौद्रिक क्षेत्र में नहीं हो पाएगा, अमौद्रिक क्षेत्र तो उसकी कैलकुलेशन से बाहर ही रहेगा। इसके अलावा करों की संरचना या ढांचा, टैक्स स्ट्रक्चर जो है किसी भी देश का, वो भी आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करेगा। जो कर ढांचा है वो सरकार की आय का स्रोत होता है, इसके अलावा ये आर्थिक विषमताओं को भी कम करता है, प्रत्येक व्यक्ति से उनकी क्षमता के अनुसार आय कर जुटाता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य करता है, निवेशों को दिशा देने का कार्य करता है, बचतों में प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, और करों में छूट के प्रलोभन से वांछित दिशा में निवेश भी बढ़ाए जा सकते हैं, कर की नीची दरों से कर आय बढ़ाई जा सकती है, काले धन को भी उत्पादक कार्यों में प्रवाहित किया जा सकता है। तो इस वजह से आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी आपके देश की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक पर्यावरण में योगदान को प्रभावित करता है। बीमा व्यवस्था, इंश्योरेंस सिस्टम, देश की बीमा व्यवस्था जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है, जहाँ एक ओर जीवन बीमा बचत एवं भावी जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं अग्नि बीमा, वाहन बीमा, सामुद्रिक बीमा तथा लाभ बीमा आदि व्यावसायिक क्षेत्रों में तत्संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बीमा गतिविधियों में आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, जबकि बीमा के अभाव में ये गतिविधियाँ शिथिल हो जाती हैं, यहाँ भी आप देख लो। व्यापार एवं भुगतान संतुलन की स्थितियाँ भी, कंडीशंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिस किसी भी देश में व्यापार एवं भुगतान संतुलन पक्ष में रहता है उसमें विनिमय दर, एक्सचेंज रेट्स अनुकूल रहती हैं, विदेशी भुगतानों के निपटारे में भी सुविधा रहती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ता है, व्यापार शर्तें भी देश के अनुकूल होगी, क्योंकि उसका अनुकूल है तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड कंडीशंस होंगी वो रखेगा, जबकि यदि उस देश का ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव रहा तो विनिमय दरों पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका फॉरेन लोन का जो वेटेज होगा वो भी बढ़ जाएगा, विदेशी भुगतानों के निपटारे में भी बाधा आएगी और आर्थिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। और ये जो व्यापार है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का व्यापार और जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल होगा, तो आर्थिक पर्यावरण पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। विदेशी ऋण भार की हम बात करें, फॉरेन डेब्ट बर्डन की हम बात करें, जो देश विदेशी ऋणों के जाल में फंस जाते हैं उनको ऋणों के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान पर भारी मात्रा में दुर्लभ विदेशी मुद्रा चुकानी पड़ती है, भुगतान संतुलन उनका प्रतिकूल हो जाता है और वो देश आर्थिक दिवालीपन की ओर अग्रसर होता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उनके ऊपर विदेशी शक्तियाँ हावी होती हैं, उस ऋणी देश का शोषण करती है,
भारत, मेक्सिको आदि इसके कतिपय उदाहरण हैं। विकसित देश जो होते हैं वो ऋणी देशों की विवशता का अनुचित लाभ उठाते हैं और इससे उस ऋणी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। पूंजीवादी अनियोजित अर्थव्यवस्थाएं व्यापार चक्रों के दौर से गुजरती है, उन्हें क्रम से तेजी मंदी के दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मूल्यों में वृद्धि होने से उपभोक्ता वर्ग को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो कहीं जहां एक ओर तो आपका तेजी काल में उत्पादन, रोजगार और आय बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मंदी काल होगा, ये जो रिसेशन आपका आएगा उसमें कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, उत्पादन रोजगार ठप हो जाएंगे, आय कम हो जाएगी, अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, तो आर्थिक गतिविधियां ही बहुत ज़्यादा ठप हो जाएंगी। तो आपके जो व्यापार चक्र हैं वो भी आर्थिक वातावरण को प्रभावित करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया जाए, ताकि तेजी एवं मंदी की चरम सीमाएँ जो हैं वो उनसे जो हम उनके दुष्प्रभाव हैं उनसे बच सकें। आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ, ये जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे अब, क्योंकि ये फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।